इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में बाघों के कुनबे में रविवार को इजाफा हो गया। बाघिन रागिनी ने 3 शवकों को जन्म दिया है। इसमें एक सफेद शावक पर काले रंग की धारियां हैं और बाकी दोनों पर पीले व काले रंग की धारियां हैं। जू में अब बाघों की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 7 फिलहाल शावक हैं जबकि 8 युवा हो चुके हैं। चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि साल भर पहले अप्रैल 2021 में नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क ओडिशा से व्हाइट टाइगर रागिनी के साथ ही ब्लैक टाइगर को इंदौर लेकर आए, जिसके बाद रागिनी और काले बाघ को साथ रखा जा रहा था ताकि टाइगर का कुनबा बढ़ सके। जू में पूरी तरह से सफेद बाघ की संख्या 2 हो गई है। जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि व्हाइट टाइगर लाने के लिए चिड़ियाघर को खास प्रयास करने पड़े थे। 2013 के बाद से चिड़ियाघर में व्हाइट टाइगर नहीं था। इसके बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी की अनुमति से 2021 में नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क से एक सफेद बाघ मिला था। आपको बता दें कि इसी साल अप्रैल में एक अन्य बाघों क्यूरेटर निहार पारुलकर ने बताया कि रागिनी से जन्मे दोनों बच्चों पर निगरानी रखी जा रही है। उसे किसी तरह से असहजता महसूस ना हो, इसके लिए कैमरों के जरिए निगरानी रखी गई है। इंदौर प्रदेश का ऐसा चिड़ियाघर है जहां पीले, सफेद और काले तीनों रंग के बाघ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। एक जो मेलेनिस्टिक टाइगर था उसके साथ हम लोगों ने इसकी पेयरिंग कराई और ब्लैक, जिसको हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट टाइगर बोलते हैं, जो व्हाइट टाइगर उसको मेलेनिस्टिक टाइगर, जो ब्लैक टाइगर था उसके साथ मेल के साथ पेयरिंग कराई। सक्सेसफुल उन्होंने मेट किया और आज अपना गेस्टेशन पूरा पीरियड पूरा होने के बाद आज 2 बच्चों को जन्म दिया।